पालमपुर में धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर बादल फटने के समाचार मात्र अफवाह हैं। न्यूगलगढ़ के आसपास इलाकों में ज्यादा बारिश होने के चलते जलस्तर अचानक बढ़ गया था और पानी सौरभ वन विहार के अंदर भी चला गया था, जिससे वन विहार में एक बार फिर से तबाही मची है। बीते साल सितंबर माह में बारिश में सौरभ वन विहार में भारी तबाही मचाई थी। न्यूगल में बड़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को खड्डों से दूर रहने की सलाह भी दी है। पालमपुर में धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर बादल फटने के समाचार मात्र अफवाह हैं। न्यूगल खड्ड के आसपास इलाकों में ज्यादा बारिश होने से जलस्तर अचानक बढ़ गया था और काफी पानी सौरभ वन विहार के अंदर चला गया, जिससे वह विहार में एक बार फिर से तबाही मची है। बीते साल सितंबर माह में बारिश में सौरभ वन विहार में भारी तबाही मचाई थी। न्यूगल में बड़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को खड्डों से दूर रहने की सलाह दी है। गौर रहे कि पिछले कुछ समय से सौरभ वन विहार को पुनर्स्थापित किए जाने के प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन अब हुई बारिश से इस काम के प्रभावित होने की भी आशंका बन गई है। वहीं तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री ने कहा कि गत रात्रि मध्य रात्रि से पालमपुर क्षेत्र और न्यूगल खड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बादल फट गया हो, लेकिन प्रशासन ने पूरी छानबीन करके ये पाया कि ज्यादा बारिश हो जाने के कारण खड्ड का जलस्तर बढ़ा है और बादल फटने की जो अफवाह डाली जा रही है ये बिल्कुल गलत है, जिसका प्रशासन खंडन करता है। और साथ ही जो 5 लोग ओम पावर प्रोजेक्ट में फंसे थे उनको भी वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं तहसीलदार ने लोगों से अपील की है कि न्यूगल खड्ड के आसपास इलाकों में ज्यादा बारिश होने पर लोग खड्डों के किनारे ना जाएं। गत रात्रि मध्य रात्रि से पालमपुर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश होने की वजह से जो हमारी नेवल कट का कैचमेंट एरिया है उसमें भारी मात्रा में रात को बारिश हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था सुबह कि मानो बादल फट गया। जब हमने इसकी पूरी छानबीन करी तो छानबीन करने से ये पाया गया कि जो नेवल कट का जो कैचमेंट एरिया है उसमें भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से सारा पानी उसमें निकल खट एरिया में आ गया है और ये बादल फटने की जो अफवाह डाली जा रही है ये गलत है। मैं इसको खंडन करता हूँ इस अफवाह का। और साथ में जो ओम पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो पानी आ गया था उसकी वजह से जो वहाँ लोग ट्रैप हो गए थे 6 से 7 लोग, उनको जैसे भी सूचना हमें प्राप्त हुई हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से पुलिस की टीम और होमगार्ड की जो एक टीम ज्वाइंट टीम बना के एक टीम हमने वहाँ मौके पर रवाना कर दी और स्थिति का हमने लगातार इसमें उसके ऊपर हमारी नज़र रही है और डीएसपी साहब और मैं स्वयं भी मौके पर निकले थे और लेकिन रास्ते में जो अवरुद्ध होने के कारण हम लोग वहाँ मौके तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि काफ़ी मात्रा में सुबह बारिश हो रही थी। और उसके तुरंत बाद जैसे ही पानी का रिसाव कुछ कम हुआ, पानी का बहाव कम हुआ, तो उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। वो स्वयं ही निकला है अपने वहाँ उस एरिया से नाला क्रॉस करके, अब वो लोग सुरक्षित पहुँच चुके हैं। बादल फटने की अफवाह का मैं खंडन करता हूँ। इस तरह का से जो न्यूगल खट के आसपास से जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी न्यूगल खट की और जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही हैं, खड्डे जा रही हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं वो खड्डों के आसपास ना जाएं और बेंचर ना करें वहाँ विशेष तौर पे, क्योंकि भारी मात्रा में बारिश का ये जो येलो अलर्ट जारी किया गया है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोगों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि वो खड्डों के आसपास ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रहें।